नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण दुबे और आप देख रहे हैं सूचना नेटवर्क। माँ बाप के झगड़ों से परेशान नाबालिग लड़की ने छोड़ा घर। जी हाँ, गोरखपुर से निकली 22 दिन बाद वाराणसी में मिली। गोरखपुर के पादरी बाजार स्थित शताब्दीपुर कॉलोनी की 15 वर्षीय किशोरी अपने माँ बाप से नाराज होकर घर से चली गई। वह माँ बाप के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई थी। 4 दिसंबर को स्कूल के लिए निकली लेकिन वापस घर नहीं लौटी। परिजनों ने जब खोजबीन के बाद कहीं पता नहीं चलने को तब पुलिस को सूचना दी गई। पादरी बाजार चौकी पुलिस इंचार्ज सुनील गुप्ता ने किशोरी की तलाश में जुट गए। इस दौरान कॉल डिटेल के आधार पर किशोरी के सहपाठियों से भी पूछताछ की लेकिन कुछ जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस की पड़ताल में पता चला कि किशोरी अपने घर से कुछ रुपए लेकर अकेले ही निकली और इधर उधर विचरण कर रही थी। इन दौरान वे कानपुर दिल्ली गई, फिर गोरखपुर लौटी लेकिन घर नहीं आई। पुनः फिर गर्ल्स हॉस्टल वाराणसी गई जहां पर रुकी थी। पैसा खत्म होने पर हॉस्टल वालों ने फोन कर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद शाहपुर पुलिस ने वाराणसी जाकर लड़की को बरामद किया। किशोरी को गोरखपुर लाकर पुलिस ने उसका मेडिकल परीक्षण कराकर बयान लिया, जिसके बाद आशा ज्योति केंद्र भेज दिया गया। सोमवार को विधिक कार्यवाही एवं परिजनों के काउंसलिंग तथा किशोरी की रजामंदी के बाद परिजनों को सपोर्ट किया गया।